बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। बहुत आसान करके बताऊंगी, बहुत आसान करके समझाऊंगी। सबसे पहले हमने 1 किलो दूध लिया, 10 हमने छोटी ब्रेड के टुकड़े, ये इस तरह के स्लाइस लिए, 1 प्याली चीनी, 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, 1/4 चाय का चमचा इलायची पाउडर, 10 से 12 अदद बादाम, और ये हमने थोड़ी सी अशरफी लिए। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया और ये कढ़ाई रख दी। अब ये 1 किलो दूध हम इसमें डाल देते हैं। अब ये दूध उबलता है, जब तक इंतज़ार करते हैं। जब तक दूध पे उबाल आता है, इसके हम ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। ये इस तरह का हमारे पास साँचा है, इसी तरह का, इस तरह हम साँचे कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा दबाएंगे और खुद ही निकल जाता है। ये देखें, अब इस तरह इसको हमने इस तरह दबाया। ये देखिए, इसी तरह हम सारे कटिंग कर लेते हैं। दूध में उबाइल आने लग गया। 1 प्याली हमारे पास चीनी है, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। ये हमने इसमें डाल दी। 1/4 चाय का चमचा इलायची पाउडर और ये 3 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। माशाल्लाह से दूध हमारा अच्छी तरह पक रहा है। कम से कम हम इससे 5 मिनट और पकाएंगे इसको, ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो। 5 मिनट हो गए और माशाल्लाह हमारा दूध अच्छी तरह पकने लग गया है। ये देखें, अब बस हम चूल्हा बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं, जब तक हम ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। घी हमने फ्राई पैन में गरम कर लिया और घी हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसको तल लेते हैं। देखिए इस तरह करके घी हमारा तेज़ गरम है, हमें सिर्फ फ्राई करने से बस 1 मिनट लगता है। अब हम इसको पलट लेते हैं, बिल्कुल हम ये कलर रखेंगे इसको। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे। सारे हमने फ्राई कर लिए ब्रेड। अब हमने इस तरह की हमने एक ट्रे ले ली, इस तरह की ट्रे। अब इस पर एक एक हम ना इसी तरह गरम गरम रख देंगे, इसी तरह। ये बहुत मज़े के बनते हैं शाही टुकड़े, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह हम सारे लगा देंगे। सारे ये हमने ब्रेड लगा दिए। अब ये जो दूध हमने बनाए, ये जो बनाया था, ये हम इस तरह डाल देंगे सब में। ये देखिए, अब ये इस तरह का एक एक हम अभी इस तरह के ऊपर लगा देंगे, इस तरह के। अब हमारे पास थोड़े से बादाम है, बादाम को हमने इस तरह कटिंग करके हम इस तरह लगा देंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत मज़े के शाही टुकड़े बनते हैं और बहुत आसान करके बताया है। खाने में भी बहुत लाजवाब रेसिपी है ये। अभी हमारे पास चांदी के वरक है, थोड़ा सा हम चांदी के वरक लगा देते हैं, क्योंकि शाही टुकड़े ही है। ये देखें, चांदी के वरक लगा दिए। अभी थोड़ी सी अशरफी जो हमने काटी थी, ये हम अशरफी भी इस तरह लगा देंगे, ताकि माशाल्लाह से शाही टुकड़े ये बहुत मज़े के। अगर आप लोगों के पास गुलाब की पत्तियाँ हैं, आप लोग वो भी डाल सकते हैं इस पर। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये शाही टुकड़े बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत झटपट सी रेसिपी है, 5 मिनट के अंदर बनने वाली रेसिपी है। माशाल्लाह बहुत, खाने में भी बहुत लाजवाब है।
आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ज़रूर बताया करें। बहुत आसान करके बताया जाता है, बहुत आसान करके समझाया जाता है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमाल में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।